गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 5, दैट इज फूड हेल्थ एंड हाइजेनिक। वी डिस्कस पार्ट 3 इन अवर प्रीवियस वीडियो। वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट एक्सरसाइज एंड डिजीज। नाउ टूडेज वी आर टॉक अबाउट कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये हमारे पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन्स क्या, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती नहीं है, दैट आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। कैसे होती है, जैसे हमारे फूड के अंदर प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। दीज डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ, क्या किसकी कमी से होता है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर हमारी जो डाइट में हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, दैट आर नोन एज डिफिशियंसी डिजीज। ओके, जो डिजीज कौन सी होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होगी, बेरी बेरी स्कर्वी, रैकेट्स। ओके, सो ये हमारी डेफिशिएंसी डिजीज होगी। और कैसे इनको कवर अप किया जाता है, प्रॉपर वे में हम न्यूट्रिएंट लेके हमारी बॉडी के अंदर इनको हम इनकी रिकवरी कर सकते हैं। ओके, सम नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है आल्सो क्या होती है, हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर, उनसे भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो धुआं वगैरह निकलता है हमारी कार वगैरह से, फैक्ट्री से, उससे भी क्या होता है, किसको इफेक्ट करता है, हमारी लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को वो, जिससे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम आती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है कैन बी कॉज बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ए मेजर कॉज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज। इट मीन्स क्या होता है, स्मोकिंग होता है वेरी बैड हैबिट होती है, किसी को भी स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, बैड इफेक्ट डालता है, जिससे हमारा हार्ट और जो ब्लड की डिजीज हमें हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, दैट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होती है, बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ये अपोजिट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर के अंदर, जो हम पानी पीते हैं, जो हम फूड लेते हैं, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। इनको हम अपनी नेक्ड आइज से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। दे द अनकवर्ड फूड और वाटर मे कंटेन देम। जिस फूड को हम अच्छे से ढकते नहीं, कवर अप नहीं करते, वो कंटेन कर लेते हैं इनको, जो बैक्टीरियाज वगैरह को। नाउ These disease cause microorganisms called germs called non-communicable disease. It means क्या होता है, कैसे होते हैं, जो छोटे छोटे microorganisms होते हैं जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते, और these are known as communicable disease. Certain flies, mosquitoes also spread from disease. जो हमारे flies वगैरह होती है, जो mosquitoes होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होती है बीमारियाँ जो disease को फैलाते हैं। The flies sit on dirty places, fly to uncovered food and bring germs with them. It means क्या होता है, जो हमारी फ्लाई होती है वो one place to another place move करती रहती है, उड़ती रहती है, और जो हमारा uncovered food है, जिस food को हम cover up नहीं करते, तो उसके ऊपर बैठती रहती है, क्योंकि वो क्या करती है, उसको डर्टी कर देती है उसको, उस हमारे फूड को, जिससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। डिजीज कौन कौन सी, हमारी कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वूपिंग हो गया, कफ हो गया, ये सारी जो हमारे बहुत सारे जो स्किन की डिजीज है, क्या होती है, कैसे होती है, वो एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन होती है। जैसे स्नीजिंग, हम क्या करते हैं, छींक वगैरह मारते हैं, तो जिससे क्या होती है, जैसे कोल्ड वगैरह हो गया, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होता है, वो ट्रांसफर होता रहता है, तो दैट इज अवर कम्युनिकेबल डिजीज। सम ऑफ एग्जाम्पल्स है, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेंशंस, कैसे होती है, जैसे हमारे टाइफाइड हो गया, कहाँ से होता है, किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरियाज की सोर्स कौन कौन से होते हैं, जो हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वाटर पानी पीते हैं, जैसे पोलियो, ये क्या होता है, कॉज्ड बाय वायरस की वजह से होता है, ये कि हमारे एयर हवा की वजह से फैलता है। मलेरिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ, और क्या होता है, सोर्स क्या होता है, मॉस्किटोज, जो हमारे मच्छर होते हैं, उसकी काटने की वजह से हमारा क्या होता है, ये हमारा मलेरिया होता है। और क्या होता है, डेंगू जो फीवर होता है, ये भी वायरस होता है, ये भी एयर की वजह से होता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, बैक्टीरिया की वजह से, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं, डिसेंट्री है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, फूड और वाटर की वजह से होता है, जब अच्छे से खाना हम प्रॉपर नहीं खाते, हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सो स्टूडेंट, यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।